वर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। खर्चा ही है एक तरीके से ही एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करूं तो ये खर्चा है, पर खर्चा वर्ड बोलना ठीक नहीं है, अभी नहीं बोलूंगा। ये तीन तरीके का होता है। तीन तरीके का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो थर्ड में बता रहा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीन तरीके के खर्चे हैं, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन या जो भी आपके एग्जाम में आता है आने के चांसेस बहुत प्रोबेबिलिटी है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता होगा, 11th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये, और अब भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ सर, हमें कुछ कुछ तो याद है। चलिए देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं समझाता हूँ। पहले एक मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम कंफ्यूजन है, वो दूर करना। मैं एक यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, फर्स्ट क्लास याद करो। क्या ये अकाउंटिंग करने का फॉर्मेट है? जी सर, यही तो अकाउंटिंग करने का सिग्निफिकेंट मैनर था। याद आया क्या? हाँ सर, हम कैसे भूल सकते हैं, याद आ गया। पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर, और यहां पे मैं लिखता हूं इनकम, एंड या मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पूरा ही लिख देते हैं, चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बस अभी समझो, अकाउंट नाम पे ना जाओ। इस साइड जो है ना पर्टिकुलर के इस साइड सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस। अच्छा सर, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, हाँ जी। और इस साइड सारा का सारा इनकम, सर सारा इनकम, बिल्कुल सारा इनकम। कुछ एग्जांपल आप बताओ, सैलरी मैं अपने वर्कर को दूंगा तो खर्चा या इनकम? सर खर्चा। और एक और पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर देखते हैं। अब मैं बनाऊंगा सुना सुनाया नाम, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं है, और यह है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, क्या याद आया? इसमें क्या होता है? इस साइड लाइबिलिटी, इस साइड एसेट अमाउंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लाइबिलिटी, पूरा लिख दूं लाइबिलिटीज। ठीक है, तो मैं खर्चे की बात करूं, सैलरी दूंगा अपने वर्कर को, इधर लिखूंगा मान लो 1000 रुपए का। रेंट दूंगा, इधर लिखूंगा 200 रुपए। रेंट लूंगा तो खर्चा है क्या? नहीं, इनकम है सर, इधर लिखूंगा रेंट रिसीव 1000 रुपए। स्टेशनरी का खर्चा, इधर लिखूंगा 500 रुपए। मेरा पैसा डूब गया, खर्चा है बैड डेट्स 100 रुपए। मैंने सेल किया है, इनकम है भाई सेल्स 3000 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इधर आएगा इंटरेस्ट रिसीव 1000 रुपए।
डिस्काउंट दे दिया इधर आएगा, बताओ कौन सा वाला डिस्काउंट आएगा? सर ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, कैश डिस्काउंट, ये खर्चा है, ये खर्चा है। बिजली का बिल, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपए, वाटर बिल, सारे खर्चे यहां। सर आप कुछ भूल रहे हो, क्या भूल रहा हूं बताओ मुझे, आज आज आप बता ही दो मैं क्या भूल रहा हूं। सर अगर आप फर्नीचर खरीदोगे वो भी तो खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है, मैं मना नहीं कर रहा, तो फर्नीचर को भी यहां लिखेंगे? नहीं, इस साइड जो खर्चे लिखे गए हैं इसका बेनिफिट देखो, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो विद इन 1 ईयर मिलेगा। सर ये क्या कह रहे हो, मतलब आप सैलरी पेड करोगे तो क्या उससे 10 साल काम करवा लोगे? नहीं सर, रेंट पेड करोगे तो 1 महीने का ही होगा, स्टेशनरी पेड करोगे तो खत्म हो जाएगा, बेड डेट्स खत्म हो जाएगा, और सेम ऐसे इनकम ये कुछ टाइम का होता है। फर्नीचर बोलते हो तो बिल्कुल फर्नीचर लिखा जाएगा, लेकिन फर्नीचर हमारा होगा एसेट में। अच्छा, फर्नीचर एसेट्स, बिल्डिंग यहां नहीं आएगा, बिल्डिंग सालों साल चलने वाला है खर्चा, वो इधर आएगा, ये भी खर्चा ही है बिल्डिंग, तो सर एसेट्स क्यों बोल रहे हो, खर्चा ही बोलो ना, 1 लाख रुपए। इसके बाद और क्या खर्चा है सर? मशीनरी, हां जी 20,000 रुपए, ये खर्चा इधर है। अच्छा, लाइबिलिटी में बैंक से लोन लिया, देखो यहां से भी पैसे रिसीव हो रहा है, रेंट से भी, सेल से भी, लोन लेंगे तब भी पैसे रिसीव होगा, तो लोन जो होगा वो लाइबिलिटी होगा, क्योंकि बाद में रिटर्न भी करना है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करके क्या रिटर्न करना है, सेल्स करके क्या रिटर्न करना, नहीं करना, लोन मान लेते हैं 20,000। और एक चीज लिख देता हूं बस यहाँ पे, कैपिटल 1 लाख रुपए, पूंजी लाइबिलिटी में आता है, अभी क्यों आता है स्टार बाद में करेंगे। चलिए, आपको पता होना चाहिए हमेशा कि हमेशा ये दोनों बराबर होगा, अगर यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट आता है, जैसे कि देखो 1,20,000 और 22,000, चलो 2,000 का हम आउटस्टैंडिंग रेंट भी कर देते हैं, बताया था ना लाइबिलिटी है 2,000, तो ये आ गया 1,22,000 और इसका टोटल आ गया 1,22,000। तो हमेशा याद रखें कि दोनों का टोटल क्या होता है हमारा, सेम होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां इसका टोटल करके माइनस प्लस करके निकालेंगे, यहां क्या होगा, यहां पे होगा 3 और 1 4 और 1 5, ज्यादा इधर है, 5,000 लिखेंगे और 5,000 में से माइनस करेंगे 200, 500, 700, 800, 5, 1300, 13 और 2, 1500, 10, 2500, तो आया हमारा 2500। तो इधर इनकम और इधर माइनस करेंगे 2500, तो इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, आगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे नेट प्रॉफिट। सर क्यों टाइम खराब कर रहे हो ये सारी बातें बता के? बिल्कुल, अब हमारा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है पेमेंट, पेमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो पेमेंट है, तो पेमेंट यहाँ दो प्रकार के हैं, कुछ पेमेंट आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल, इसको ही बिल्कुल अलग से लेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, पेमेंट वो पेमेंट किया जाता है जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिले, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको कितने टाइम में मिले, 1 ईयर से मोर देन मिले, मोर देन 1 ईयर मिले, ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा भी कोई बात बतानी है? हाँ बिल्कुल, तो जो यहां पे एक्सपेंडिचर है इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो यहां पे ये खर्चे हैं इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए समझने, तो ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सर आपने तो आज हमें समझा दिया, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और कोई अंतर बताइए? बिल्कुल, इससे आपको इनकम जनरेट होगा, हर साल फर्नीचर या बिल्डिंग या इससे इनकम कमाओगे, इससे कोई इनकम नहीं कमाओगे। और भी सर, हाँ ये हमारा इकोनॉमी बेनिफिट देगा और ये हमारा इकोनॉमी बेनिफिट नहीं देगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका फायदा हमें
विद इन अ 1 ईयर होता है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है ये हम करेंगे थोड़े टाइम बाद कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो इस साइड को डेबिट बोलते हैं और इस साइड को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, डेबिट कर दिया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, और इसे हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है और इसको हम इकोनॉमी बेनिफिट भी रिसीव करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल दो ना सर, और कुछ बताओ ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? सोचो, बिल्कुल सही जवाब, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने क्या करा, मैंने अकाउंटेंट को सैलरी दिया, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? सैलरी भी खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक। और एग्जाम्पल लो सर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन, इसका यूज कब तक करूंगा मेरा मोबाइल फोन, बताओ। सर इसका तो 1 साल से ज्यादा चला लोगे आप, बिल्कुल, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं आपको नोट्स दूंगा, मेरे पास देखो नोट्स हैं ये, तो आपको जो नोट्स वगैरह मैं मेरे द्वारा दिए जाएंगे, ये नोट्स कौन सा एक्सपेंडिचर है? सर ये तो बस हम पढ़ के फेंक देंगे और आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, खर्चा तो हो ही गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मार्कर का खर्चा, सर ये मार्कर बस 1 घंटे चलाता हूं मैं, तो इसका खर्चा कौन सा खर्चा माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड मेरा, ये तो मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, पता नहीं कब से चला रहा हूँ मैं इसको, तो ये कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता के इन दोनों की मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा, इंटरेस्टिंग बात क्या है चलिए देखते हैं। मान लो आपने एक इंटरेस्टिंग बात और देखते हैं, मान लो आपने एक बिल्डिंग खरीदा 10 लाख का, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को बना बनाया बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग को खरीदने के बाद इसको खरीदते ही आपने इस पे रिपेयर करवाया 2,000 रुपए, रिपेयर के बाद आपने इस बिल्डिंग के एक फ्लोर और बनवा दिया, और रिपेयर जब करवाया तो वहां पे रिपेयर का तो खर्चा हुआ और वर्कर को आपने वहां पे वेजेस भी पेड किया। वेजेस क्या होता है सर? सब बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो, सैलरी के ही जैसा होता है। वेजेस पेड किया 1,000 रुपए का, तो आप मुझे बताना वेजिस का बेनिफिट कब तक लोगे? सर इसका बेनिफिट तो 1 साल से कम के लिए लेंगे, रिपेयर का भी 1 साल से कम के लिए भी और ज्यादा के लिए। तो ये दोनों खर्चे इस बिल्डिंग को खरीदते के टाइम पे करवाया गया है, तो ये जब खरीदते टाइम पे कोई भी खर्चा होगा ना, ध्यान से सुनना, जब किसी एसेट्स को खरीदते टाइम पे कोई भी खर्चा करोगे ना, चाहे आप सेकंड हैंड एसेट्स खरीदो लेकिन आपके लिए तो नहीं है, तो खरीदते टाइम पे जो खर्चा करोगे, तो कोई भी खर्चा हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने सैलरी पेड किया, बिल्डिंग को खरीदा और यहाँ पे एक वर्कर को काम पे लगाया और अपने गार्ड को सैलरी पेड किया बिल्डिंग बनाने का, तो अब सैलरी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन खरीदने के ठीक 2 साल बाद, 2 ईयर के बाद फिर से मैंने क्या करा, मैंने फिर से रिपेयर करवाया, तो अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर बात समझ में नहीं आए, फिर से समझा दो। कोई भी एसेट्स खरीदोगे, एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खरीदते टाइम पे जो मर्जी खर्चा कर दो इस पे, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। खरीदने के कुछ टाइम के बाद अगर कोई खर्चा करोगे और वो नॉर्मल एक्सपेंस है जिससे एसेट्स की कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ सिलाई मशीन की, स्विंग मशीन की बात करते हैं। सिलाई मशीन खरीदा, खरीदते टाइम पे थोड़ा पेंट वेंट करवा के अच्छा से करवा दिया, तो सिलाई मशीन 10,000 का है, पेंट करवाया 2,000 का, तो कितना खर्चा हुआ? 12। तो पेंट भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, सिलाई मशीन, मेरा सिलाई मशीन का कीमत ही मैं 12,000 रुपये दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, सिलाई मशीन के बाद बात करते हैं, मैंने सिलाई मशीन खरीदा 10,000 का और उस पे पेंट 2 साल बाद करवाया, तो अब मेरा जो 10,000 है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन 2 साल के बाद जो मैंने इसके ऊपर पेंट करवाया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माना जाएगा, क्योंकि वो खरीदते टाइम पे नहीं किया गया, उसका बेनिफिट ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा सर ठीक है, ये भी समझ में आया, और एग्जाम्पल दो ना मुझे। अच्छा, मैंने एक सिलाई मशीन खरीदा, सिलाई मशीन 10,000 का खरीदा,
और 2 साल बाद उसमें एक मोटर लगवा दिया ऑटोमेटिक सिलाई मशीन चलने के लिए। तो ये जो सिलाई मशीन में जो मोटर लगाया है, ये मोटर आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा क्यों सर, ये तो 2 साल बाद हो रहा है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों माना जाएगा? अगर किसी एसेट्स की कैपेसिटी इंक्रीज करते हो कोई खर्चा करके, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अच्छा एक मकान खरीदा, इस मकान के ऊपर आपने एक और फ्लोर कंस्ट्रक्शन करवा दिया, जब एक फ्लोर और कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे आप उसी टाइम करवाओ चाहे 10 साल बाद, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं इस फ्लोर से भी इनकम कमा सकता हूँ और इस फ्लोर से भी इनकम कमा सकते हो। सर बात तो बहुत अच्छी बता रहे हो आप, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, मशीनरी खरीदा, मैंने एसी खरीदा था, एसी खरीदते टाइम पे मुझे वायर वायर सब लगवाना पड़ा, तो ये एसी खरीदते टाइम पे मैंने वायर वगैरह सब लगवाया, इंजीनियर आया, इंजीनियर ने क्या करा, इसको फिट वगैरह किया, एसी खरीदने के बाद सारी चीजें करा, तो एसी 50,000 का था और उसके ऊपर जो इंजीनियर आया वो 1,500 ले गया, वायर वायर 2,000 रुपए लग गए, तो टोटल मेरा एसी कितने का है बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। सर 50,000 और 1,500 इंजीनियर, 51,500 और 2,000 का खर्चा, तो आपका हो गया 51,52,53,500। तो जो बताओ इंजीनियर को मैंने पैसे दिए तो वो पैसा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खरीदते टाइम पे किया जा रहा है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा चलो बहुत अच्छे बच्चे, आपको समझ आ रहा है। अगला पॉइंट, मैंने एसी खरीदा, फिटिंग करा दिया, 43,500 रुपए का लग गया, 6 महीने बाद इसमें सर्विस करवाया और सर्विस करवाने के मैंने 2,000 रुपए दिए। अच्छा सर सर्विस करवाने के 2,000 रुपए दिए, तो वो खर्चा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद किया गया और सर्विस से आपकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली, जो पहले थी उतनी ही रहेगी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा सर और एग्जाम्पल दो। अब मुझे बताना, मैंने सेकंड हैंड एसी खरीदा, सेकंड हैंड एसी खरीदने के बाद मैंने सर्विस वाले को बुलवाया और उसको 2,000 देने पड़े, और सेकंड हैंड एसी खरीदते ही मैंने सर्विस करवा दिया उसमें, अब सर्विस चार्ज बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर ये खरीदते टाइम पे है तो इसलिए इसको क्या मानेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या समझ में आई बात आपको? एसेट्स को खरीदते टाइम पे जो मर्जी खर्चा करो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर एग्जांपल तो बिल्कुल आज जब तक आपके खून में नहीं मिल जाएगा, जब तक मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा। आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 रुपए का, एसेट्स है, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? ये माना जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने एसेट्स खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी इसके बाद जब आपने एसेट्स खरीदा, लैपटॉप खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, लैपटॉप के ऊपर आपने क्या करा? स्क्रीन गार्ड लगवाया लैपटॉप के ऊपर 100 रुपए का, तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ सर खरीदते टाइम पे लगवाया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने एक माउस खरीद लिया, क्या सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर खरीदते टाइम पे लगाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कीबोर्ड खरीद लिया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर खरीदते टाइम पे लगाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपने क्या करा, कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर खरीदने के 2 महीने बाद स्क्रीन गार्ड लगवाया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हाँ बिल्कुल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हाँ सर, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, मैं दोबारा लैपटॉप वाले एग्जाम्पल को लेता हूं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा और खरीदते टाइम पे उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि खरीदते टाइम पे लगवाया गया। और माउस लिया खरीदते टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कीबोर्ड लिया खरीदते टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि खरीदते टाइम पे लगवाया गया है। सेम मैं बोलूं कि ठीक लैपटॉप खरीदने के 2 महीने बाद मैंने उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवा लिया, तो अब वो स्क्रीन गार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2 महीने बाद मैंने कीबोर्ड और माउस खरीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा 2 महीने बाद। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद जब आप खरीदोगे तो माउस और कीबोर्ड से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? सर होगी, तो इसलिए उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। सिंपल से मैं बात करूं तो जब कोई एसेट्स खरीदते हो तो खरीदते टाइम पे छोटा खर्चा हो या मोटा खर्चा हो, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन खरीदने के बाद कोई छोटा मोटा खर्चा हो
तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कोई बड़ा खर्चा हो तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर की लाइफ बताओ 1 साल से ज्यादातर समय तक चलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये 1 साल के अंदर अंदर होता है। चलिए एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया जाता है एक्वायरिंग में या वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सच एज अ अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है आपका कि जैसे कोई एसेट्स खरीदते हो तो उसके लिए जगह बनाना, एसी खरीदते हो तो उसके लिए स्पेस बनाना है, स्टैंड बनाना है, तो वो बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इज आ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, हेंस रिटर्न इन एसेट्स। इसका फायदा ज्यादा समय के लिए मिलेगा, इसलिए इसको रिटर्न कहाँ किया जाएगा, एसेट्स में किया जाएगा। यही सारी बात करी हमने। इसके बाद कुछ मैंने टेबलर फॉर्म में मीनिंग दे रखा है कि कैसे याद रखोगे, नहीं रखोगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यही एग्जाम्पल है, तो उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी तरीके का खर्चा, द फुल बेनिफिट विच रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर या उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर मिल जाए आपको, इट्स टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सच इस तरीके का ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया गया, डेबिटेड। ये साइड ना डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, तो हम आगे देखेंगे कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। और इस तरीके का एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता। जैसे मशीन में मैंने मोटर लगाया था सिलाई मशीन में, तो वो ज्यादा शर्ट बना के देगा, लेकिन अगर रेंट मेरा है तो रेंट अगर मैं बढ़ा भी दूं पेमेंट करना, तो बच्चे तो उतने ही आएंगे क्लासरूम के अंदर, तो जो रेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन जो मोटर लगाया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बट ओनली हेल्प मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी, लेकिन ये जो पुराना हमारा अर्निंग क्या है उस कैपेसिटी को मेंटेन करके देखेगा और रेंट देंगे तो। इट ऑल्सो डज नॉट ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एनी एसेट्स ड्यूरिंग द एंड्यूरिंग नेचर, कोई एसेट्स वगैरह नहीं बनाएगा ये। क्लियर? हाँ सर, दो बातें समझ में आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। हाँ सर, ये समझा दो फिर एक्सपेंडिचर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आज मैं आपको समझाऊंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, मैं आज समझाता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए समझिएगा, मान लो आपको कुछ मैं बातें बताऊंगा, आप ध्यान रखना, मैं एक ऐसे जनरल बातें पूछ रहा हूँ, सुनते रहना। बहुत पहले एक सर्फ का ऐड आया करता था और सर्फ का नाम था निर्मा, मुझे अब भी याद है। दूरदर्शन पे उस टाइम जब भी हम कोई मूवी देखते थे तो उस टाइम पे उसका ऐड जरूर आया करता था, निर्मा सर्फ का, और हर बार आया करता था, अभी भी याद है। एक और एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो डाबर लाल दंत मंजन, जो आपका सॉरी डाबर लाल नहीं, कॉलगेट, कॉलगेट का भी तो आप पेस्ट तो सबने देखा होगा पहले, कॉलगेट का आप पाउडर का नहीं पता पाउडर आता या नहीं आता। सुनील सेठी उस टाइम पे ऐड किया करते थे, कॉलगेट को उसने हाथ में डाला और उसको हाथ से ही उसने क्या करा, ब्रश किया और फिर उससे अखरोट तोड़ के दिखाते थे ऐड में। बिल्कुल, और ऐड की बात करूं तो एक पहले के टाइम पे मैंने देखा था, नमक की बात करूं तो एक नमक हुआ करता था जिसको पता होगा, कैप्टन कुक करके नमक होता था, अब तो टाटा नमक है, कैप्टन कुक। पहले टाटा नमक नहीं चलता था, हम हर कोई कैप्टन कुक नमक लेता था। इसी तरीके से डालडा बहुत पुराना ऐड है,
तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो कि पहले हुआ करते थे, वो कंपनी बंद हो गए। लेकिन आज भी अगर मेरे सामने वो कोलगेट का पाउडर आए, वो उस पाउडर के आने के बाद मैं बोलूंगा हाँ ये भाई पहले भी आता था, अब भी आता था, मैं उसको खरीदूंगा। मेरे सामने दो पाउडर थे, एक कोलगेट का, एक अलग से कोई पाउडर जिस कंपनी को मैं नहीं जानता, तो बताओ मैं किसको खरीदूंगा? इसको क्यों खरीदूंगा इसको? क्योंकि मैंने इसका एडवर्टीजमेंट देखा है, एक ब्रांड है, एक बहुत पहले से खरीदा है, ये मेरे माइंड में चल रहा है। सेम ऐसे एक वीको टर्मरिक, ये तो एकदम फेमस था, अब तो एड नहीं आता, खैर शायद आता भी हो क्योंकि मैं ज्यादा अब मीडिया से कनेक्टिव, टेलीविजन वगैरह से नहीं रहता, न्यूज वगैरह देखता हूं तो उस पर तो नहीं आता। खैर दूरदर्शन चैनल पे मूवी आता था, मूवी फ्राइडे फ्राइडे नहीं होता था मेरे, हाँ शायद फ्राइडे या सैटरडे संडे को नाइट को आता था, याद नहीं है, मेमोरेबल नहीं है परफेक्ट। तो उस रात में मूवी आता था 3 घंटे का, जिसमें कम से कम तो 1 घंटा मुझे यही ऐड दिखता था, वीको टर्मरिक। अब मेरे पास कोई ऐसा क्रीम हो, मैं कहीं यूएस में गया, मुझे दो क्रीम दिखे, एक क्रीम का नाम नहीं पता, एक वीको टर्मरिक, तो मैं कौन सा खरीदूंगा? या आप कौन सा खरीदोगे बताओ? सर वीको टर्मरिक खरीदेंगे बस। यानी आपने एक बात मुझे प्रूव कर दिया कि जो एडवर्टीजमेंट होता है उससे हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक छवि बन जाती है, और उस छवि को हम कभी भूलते नहीं, उसको हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखते हैं। हाँ बस यही। सेम ऐसे मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक शर्ट लॉन्च किया, और इस शर्ट को लॉन्च करते टाइम पे मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आपने इश्तेहार प्रचार करवाया, और जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया आपने, मैंने सलमान खान को लिया, सलमान खान, मैंने बोला भाई कर दो मेरा एडवर्टीजमेंट फ्री में कर दो, नहीं माना, 5 करोड़ रुपए लिए मेरे से एडवर्टीजमेंट का शर्ट। अब टीवी में ऐड आ रहा है लगातार 1 करोड़, और 4-5 करोड़ टेलीवीजन वालों ने लिए, 10 करोड़ का ऐड किया, डेली डेली ऐड आ रहा है। अब कहीं भी हर जगह मैंने इसके शोरूम लगवाए, कैंपेन करवाए, करवाने के बाद जैसे ही गए, अरे ये अभी नई कंपनी है, ये सलमान खान ऐड करता है, ब्रांड है यार ये, बहुत अच्छी ब्रांड है, आपने खरीद लिया। मैंने ये 2010 में करवाया, आप सबने देखा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, खर्चा कितना हुआ मेरा, 5 करोड़ का। लेकिन जैसे ही 2011 आया, मैंने एडवर्टीजमेंट बोला रहे यार एक बार करवा दिया बहुत हो गया, तो 2011 में बताओ मेरा सामान बिक रहा है, बिक रहा है। आपका एक दोस्त मिला, यार कौन सी कंपनी का शर्ट ले रहे हो? आप बोले यार तुझे पता नहीं पहले सलमान खान इतना ऐड करता था, ब्रांड एम्बेसडर है इसका, उसने ऐड किया था, तो अच्छी कंपनी के ले ले, बहुत बढ़िया रहता है शर्ट, आपने अपने दोस्त को दिला दिया, चलो ठीक है। यानी इस 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको 1 साल बाद भी मिला, 2011 में। 2015 हो गए, 2015 में आपने देखा आपके सामने 4-5 कंपनी की शर्ट रखी है, लेकिन सलमान खान वाले एड वाले का आपको याद है, तो फिर आपने ये शर्ट पांचों कंपनी में से किस वाले को चूज किया, जो मैंने अपने शर्ट को लॉन्च किया, यानी इस एड का बेनिफिट आपको 2015 में भी मिल रहा है, यहां तक असर है। अगर 2020 में भी जाएं तो इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, 21 में जाएं तब भी हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो देखो ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो कि किया तो आज है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है। तो ऐसे खर्चे को मान लो बिजनेस स्टार्ट किया तो सेल तो है नहीं, और मैं एक्सपेंस के अंदर दिखा दूं एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ रुपए का, और सेल मेरा हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपए का, तो मैं तो यहां पे देखूंगा 4 करोड़ 99 लाख रुपए का नुकसान है। 1 लाख का सेल है, 5 करोड़ का भाई एडवर्टीजमेंट कर दिया, क्या ये सच्चाई है? ऐसे तो मेरे बिजनेस को देखने वाला बोलेगा अरे बेकार बिजनेस है ये, तो डूब जाएगा, लॉस पहले साल ही आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, आपका लॉ क्या कहता है कि आप इस खर्चे को यहां मत दिखाओ,
इस खर्चे को आप धीरे धीरे दिखाओ, यानी टुकड़ों में दिखाओ। तो टुकड़ों में दिखाओगे तो कम दिखाओगे। मान लो बोलती है गवर्नमेंट 5 साल में दिखाओ, तो पहले मैं दिखाऊंगा 1 करोड़, तो कम हुआ कुछ लॉस। अगले साल फिर दिखाऊंगा 1 करोड़, फिर अगले साल दिखाऊंगा 1 करोड़, ऐसे कितने साल तक दिखाऊंगा मैं? 5 सालों को। तो खर्चे को देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 साल से दूसरे साल में टाल रहा हूं। तो डेफर्ट का मतलब क्या होता है? डेफर्ट का मतलब होता है टालना। तो डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो खर्च तो आज करते हैं लेकिन जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, इसको बोलते हैं हम डेफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली गवर्नमेंट कहता है 3 से 5 साल, 3 से 7 साल में इसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने का मतलब 5 करोड़ में से आप पूरे 5 करोड़ मत दिखाओ, 1 करोड़ दिखाओ, तो बाकी का 4 करोड़ एसेट्स में दिखाओ, क्योंकि आपने एडवांस में खर्चा करा है। एडवांस खर्चा प्रीपेड याद है ना, तो एडवांस में किया तो एसेट्स में दिखाओ। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो बोल सकते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टीजमेंट, बोल सकते हो आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं ना, जिसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, वो भी बोला जा सकता है, लेकिन आप एडवर्टीजमेंट याद रखो, यही एग्जाम्पल बहुत है। पढ़ते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ में आई बात आपको? कहता है दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, होता रेवेन्यू नेचर का है, बट द बेनिफिट विच लाइकली टू बी डाइवर्ट ओवर नंबर ऑफ ईयर, लेकिन इसका फायदा हमें लंबे सालों तक बांट दिया जाता है। डाइवर्ट का मतलब बांटना, ओवर द नंबर ऑफ ईयर कई सालों तक, सच एक्सपेंडिचर टर्म्ड एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दस एक्स द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर लास्ट 3 to 7 ईयर, एज सच द होल ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इस साइड को क्या बोलते हैं, अभी मिट गया वो, दिमाग से निकल गया, जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया था उसको क्या बोलते हैं हम, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाया जाता है अकाउंट, एंड करंट ईयर बट सेपरेट ओवर द ईयर फॉर विच बेनिफिट लाइकली टू लास्ट, और उसे हर साल में दिखाते जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल है आपका, सिंपली देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो एग्जाम्पल में, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन एक्सपेंडिचर, मुझे बताइए रेवेन्यू मैं पूछूंगा, सैलरी पेड किसका एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी के बाद मशीनरी खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट किया न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक बार आपने नोट कर लिया, नोट करिए इसको, फिर हम देखते हैं आगे के कॉन्सेप्ट।